चलो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, और विशेष तौर से आज धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है ताकि हम तेरे वचनों को सीख सके, उन्हें समझ सके और अपने जीवन में हम उन पर चल सके। इतने दिनों से हम अंधकार में थे परमेश्वर, तेरे वचनों का ज्ञान नहीं था, उसकी समझ नहीं थी, इसीलिए अपने जीवन की समस्या से हम बाहर नहीं आ पा रहे थे। पर हम देख रहे हैं परमेश्वर कि पिछले कई दिनों से तू हमें तेरे वचनों का ज्ञान दे रहा है। जो वचन हमारे समझ के लिए बहुत ही कठिन थे, आज तूने उन सारे वचनों को हमारी समझ के लिए बहुत ही आसान बना दिया है, इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यीशु, मैं नहीं जानती इन लोगों के हृदय के सवालों को, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप जानते हो, तो मैं अपनी आवाज़ को आपको सौंपती हूँ। आप मेरे द्वारा इन सभी से बात कीजिए और मैं अपनी जबान का कंट्रोल, अपने आप का कंट्रोल मैं आपको दे रही हूँ। मेरा विश्वास है परमेश्वर कि मेरे द्वारा आप इनसे बात कर रहे हो और इन सभी के हृदय के सवालों को जवाब आप दे रहे हो। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, और ये प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो बाइबल किसके किसके पास है निकालिए। क्या हुआ, बाइबल किसी के पास नहीं है? आप लोग प्रवचन सुनने आए ना? ओके ओके, किसके किसके पास बाइबल नहीं है, मतलब घर पे भी नहीं है, हाथ उठाओ। आपके पास, आपके पास घर पे भी नहीं है? काकू, तुमच्याकडे घरी पण नाहीये? एक काम करना, अभी जैसे ही क्लास खत्म होता है ना, सिस्टर के पास जिसके जिसके घर में बाइबल नहीं है, घर में बोल रही हूँ, जिसके पास है ही नहीं, वो अपने नाम उनको दे देना, हम उनके लिए बाइबल अरेंज करवाएंगे। ओके, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अगली बार लेके आना, थैंक यू जीसस। ओके, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगी फिर। मोबाइल, मोबाइल में बाइबल है? मोबाइल है? मोबाइल में भी बाइबल नहीं है? आज सब कोई डाउनलोड करेगा, करेंगे ना, प्रेज गॉड। ओके चलो, ओके ओके, तो आज देखो देखो, आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो सब कोई इससे गुजर रहा है, सब कोई। ओके, हम हर एक जन एक आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। वापस, हर कोई, हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? आत्मिक लड़ाई, करेक्ट? हाँ, और वचन में लिखा है कि हमारी लड़ाई किसी रक्तमास के मनुष्य से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है। रक्तमास की लड़ाई नहीं है, पौलुस बोलता है ये। ओके, तो हम जो लोग हैं वो हर कोई एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है, एक आत्मिक लड़ाई में है, ठीक है? हम वहां पे तलवार या चाकू छुरा वो सब लेके नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हमारी लड़ाई मनुष्य से है ही नहीं, दिखने वाले मनुष्य से है ही नहीं, हमारी लड़ाई है अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से। और ईश्वर ने हमारे लिए जो जीवन रखा है, हमारा, सिस्टर ये डॉगी को प्लीज आप बाहर लेके जाना, ये मेरा माइक बार बार खींच रहा है, ये तोड़ देगा, खा जाएगा उसको, मेरे पास एक ही है, प्लीज प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके ओके ओके, इधर ध्यान दीजिए सब कोई। तो अभी क्या हुआ, वो जा नहीं रहे तो ये जबरदस्ती उठा के लेके गई ना, हाँ। तो हमारे, हमारी जो लड़ाई होती है ना, जब जब शैतान हमें सोच देता है, पता है शैतान हमसे कैसे लड़ रहा है? सोच में। वो कोई मनुष्य नहीं है जो हमारे सामने आके हमको फाइट मारे, नहीं, वो हमसे लड़ता है हमारी सोच में। तो जब आप उसको अल्ले कुट्टू कुट्टू करके बोलोगे जाने को, वो नहीं जाने वाला है। ऐसे ही उसको जबरदस्ती निकालना है हमारे जिंदगी से, और उसके लिए ईश्वर ने हमको हथियार दिया है,
और वो हथियार है ईश्वर का लिखा हुआ वचन, सत्य। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं क्या बोल रही थी, ये डॉगी के चक्कर में मैं भूल गई, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यस, परमेश्वर हम सभी से चाहता है हम विक्ट्री वाला जीवन जिए। हमारे लिए हार वाला जीवन उसने तय नहीं किया है, वो हम सभी से चाहता है हम विक्ट्री वाला, विजय वाला जीवन जिए। तो हम आज हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम क्यों है, क्यों हम सब जगह हारे हुए हैं, क्यों हमको विजय नहीं मिल रहा है, क्यों जिंदगी में आज भी प्रॉब्लम से हम उभर नहीं रहे हैं। कई लोगों को मैं देखती हूँ वचन का तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन बदल नहीं रहे, क्या कारण है? पता है क्या कारण है? चलो हम ये बाइबल से देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम जाएंगे, अच्छा किसी ने मोबाइल है ना तो उसमें टाइप करना, जो भी मैं वचन बोल रही हूँ वो टाइप करना, और घर पे जाके अपने बाइबल में से दोबारा इसको पढ़ना। ओके, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, वन सेकेंड, हम लोग जाएंगे होजाया 4:6 में। होजाया 4:6 हिंदी में उसको बोलते हैं होशे, होशे का चौथा अध्याय का 6th वाला छ, ध्यान से सुनना। ओके, क्या हुआ, सब लोग ऐसा क्यों देख रहे हो, ऊपर कुछ गिरने वाला नहीं ना मेरे सर पे? ओके, उस पर ध्यान मत दो, चली जाएगी। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू गेट आउट ऑफ दिस रूम राइट नाउ। ये रूम हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, निकल जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। अब उस पर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, वो कुछ नहीं करने वाली। हालेलुया, कहा थे हम लोग होजाया 4:6, होशे 4:6। ध्यान से सुनना ये क्या बोल रहा है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा का विनाश हो रहा है। वापस इंग्लिश में देखो लिखा है, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मेरे ज्ञान के ना होने से आज मेरी प्रजा का नाश हो रहा है, मेरी प्रजा का विनाश हो रहा है। तो आज हम सबके जीवन में विनाश का कारण क्या है? शैतान। लेकिन उसके वचनों का ज्ञान ना होने से आज हमारे जिंदगी में नाश है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो किस चीज का ज्ञान ना होने से? किताबी संसारी ज्ञान नहीं, उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु यहाँ पे ज्ञान बोलता है मतलब नॉलेज, नॉलेज मतलब कौन सा नॉलेज? उसके वचनों का रेवलेशन ना होने से, उसके वचनों का प्रकाशन ना होने से, उसके वचनों का ज्ञान ना होने से आज हम सबके जीवन में विनाश है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सी, परमेश्वर ने हम सभी को जीने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, सिद्धांत बोल सकते हैं हम लोग, प्रिंसिपल्स दिए। अब ये जो वर्ड है प्रिंसिपल, ये कहां से आता है? वर्ड प्रिंस से, प्रिंस, करेक्ट। प्रिंस मतलब क्या? पहला। प्रिंस मतलब फर्स्ट। तो हम जो उसके पुत्र पुत्रिया है हमको क्या कहा जाता है? प्रिंस और प्रिंसेस, करेक्ट है ना, समझ रहे ना आप लोगों को? प्रिंस और प्रिंसेस। नाउ मतलब जैसे मान लो कोई राजा है और उसको अगर बेटा हुआ तो हम उसको कहेंगे ही इज अ प्रिंस, वो राजकुमार है। मतलब क्या? मतलब उसकी, राजा की जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी हिस्सा है उसका सबसे पहला वारिसदार, सबसे पहला हक होने वाला व्यक्ति वो राजकुमार है, करेक्ट। अब डेविल इज ऑल्सो प्रिंस बट ही इज अ प्रिंस ऑफ डार्कनेस। शैतान भी अंधकार के राज्य का प्रिंस है, करेक्ट। नाउ ये जो वर्ड है अंधकार, मैंने देखा था, मैं पढ़ रही थी तब मैंने देखा, इसको हिब्रू में क्या बोलते हैं पता है? हिब्रू भाषा में इसको बोलते हैं कोशेक। मैंने लिख के रखा था, एक सेकेंड, हाँ सही है, कोशेकी। मतलब क्या पता है? इग्नोरेंस, अज्ञानता। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। तो ये जो शैतान आज हमारे जिंदगी में राज कर रहा है, कारण क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञानता।
उसके वचनों के प्रति अज्ञानता। हालेलुया। और ये जो गॉस्पल है, ये जो वचन है, वो लाइट है, क्योंकि जहां पे भी गॉस्पल प्रीच होता है वहां से अंधकार हटता है और वहां पे ईश्वर का प्रकाश होता है। प्रभु बोलता है ना, आई एम द लाइट। जहां पे भी गॉस्पल प्रवचन होता है वहां से अंधकार को भागना ही भागना है। तो शैतान इस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, शैतान वचनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए वो आपको आपसे उसकी लड़ाई कैसे होती है, विचारों में। वो हमेशा ऐसे विचार हमें देता है जो वचनों के खिलाफ है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोगों को? हम और एक वचन लेंगे, लिख लो 2 Corinthians 2:11 हालेलुया। देखो ये क्या कह रहा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. अब मुझे बताओ, शैतान हमारा फायदा कब उठा सकता है? हाँ, शैतान हमारा फायदा कब उठा सकता है? शैतान हमारा फायदा तभी उठा सकता है जब हम लोग अनजान हो। हालेलुया। जब हम लोग अनजान हैं, अनजान किस चीज से? कि वचन का सत्य क्या कहता है। अगर उस चीज से हम अनजान हैं, तो हमारे जिंदगी पर राज कौन करेगा? शैतान। ये लड़ाई एक्चुअली किसी मनुष्य से नहीं है, ये लड़ाई है सच और झूठ की। ये लड़ाई है सच और झूठ की। आपको आप तभी समझ पाओगे कि सच क्या है जब आपको झूठ पता हो। ऐसे बोलेंगे, आप झूठ तभी समझ पाओगे जब आपको सच पता होगा। सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने उल्टा बोल दिया। ओके सिस्टर, हालेलुया हालेलुया। आप लोगों को समझ रहा है? सी, सच और झूठ में का फर्क आप तभी कर पाओगे जब आपको सच क्या है पता होगा। मुझे बताओ, झूठ क्या है? हाँ, झूठ क्या है? झूठ क्या है? झूठ है जो कुछ वचनों के खिलाफ है। जो कुछ वचनों के खिलाफ है वो हर एक चीज झूठ है। तो सच क्या है? सच है ईश्वर का वचन। करेक्ट। 2000 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, और आगे के 2000 साल बाद भी वही रहेगा। ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। तो जब हमको सत्य पता रहेगा, हम झूठ और सच में फर्क कर पाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोगों को? लेकिन अगर देखो, बाइबल में भी लिखा हुआ है, वचन में ये लिखा हुआ है, दैट डेविल इज द ही शैतान झूठ का बाप है। ये वचन बोलता है योहान, हम उसमें जाएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको रेफरेंस देके रखती हूँ। जॉन 8:44 जो कहता है कि शैतान झूठ का बाप है। द डेविल इज द फादर ऑफ लाई। और पवित्र आत्मा सच का आत्मा है, ये भी वचन में लिखा है। वो वचन है ये जो मैं वचन आपको बता रही हूँ ना, आप लिख लेना मोबाइल में, या तो कोई पेन बुक लाया है, कोई नहीं लाया, अच्छा मोबाइल में तो नोट डाउन कर लो, ताकि घर जाके आप इसे पढ़ सको। जॉन 14:17 में कहा गया है कि सच का पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। हालेलुया। तो लड़ाई किसके बीच में है? लड़ाई है सच और झूठ के बीच में। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
शैतान हमारे जीवन में कब कार्य कर पाएगा पता है? जब हम उसके झूठ पर विश्वास करेंगे, तभी वो हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में कब कार्य कर सकता है? जब हम उसके सच पर विश्वास करेंगे। हालेलुया, आप लोगों को समझ रहे हैं? तो ईश्वर ने हमारे लिए जीवन कौन सा रखा है? विक्ट्री वाला जीवन, जय वाला। थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं एक सिप पानी पी लेती हूँ। आप लोगों को समझ रहा है? देखो, परमेश्वर की हमारे लिए हार वाली योजना नहीं है। परमेश्वर की हमारे लिए हार वाली योजना नहीं है, परमेश्वर की हमारे लिए जय वाली योजना है। लेकिन जिस चीज पर आप विश्वास रखोगे, आपके जीवन में वो चीज कार्य करेगी। अगर शैतान के लिखे हुए झूठ पर आप, शैतान के बताए हुए झूठ पर आप विश्वास कर रहे हो, वो चीज आपके जीवन में कार्य करेगी। लेकिन वही अगर आप सत्य पर विश्वास कर रहे हो, तो सत्य भी आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आपको किसी की प्रार्थना आजादी नहीं देगी, आपको कोई किसी प्रीचर का हाथ आपको आजादी नहीं देगा। ये शैतान का झूठ है, लेकिन आपको आजादी देगा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का लिखा हुआ वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ये लिखा है। चलो हम जाते हैं, वो पढ़ेंगे। योहान 8:32 में हम जा रहे हैं। जॉन 8:32। योहान, ओके, सबसे पहले 31 पढ़ते हैं। हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय कम है हमारे पास, ठीक है ना? तो देखो 8:31 क्या बोल रहा है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन पर विश्वास किया कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच में मेरे शिष्य कहलाओगे। वापस तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सच में मेरे शिष्य कहलाओगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे बात हो रही है कौन यीशु के शिष्य बन सकते हैं। हाँ, हर कोई विश्वासी यीशु का शिष्य है, हर कोई विश्वासी यीशु का शिष्य है। यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सच में मेरे शिष्य कहलाओगे। तो हम उसके शिष्य कब कहलाएंगे? जब हम उसके वचनों में बने रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम अपना जीवन, हम जो विश्वासी है, क्या आज हम अपना जीवन उसके वचनों के अनुसार जी रहे हैं? क्या आज हम उसके वचनों में बने हैं? हमको सबको देखना है, हमारे जीवन में। जैसे मान लो अगर कोई शादीशुदा है तो उसके शादीशुदा जीवन के लिए ईश्वर का वचन क्या कहता है? कोई अगर स्कूल में है, कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसके लिए वचन क्या कहता है? कोई अगर बीमारी से गुजर रहा है तो उसके लिए वचन क्या कहता है? सबके लिए बाइबल में वचन दिया हुआ है, बाइबल में यीशु ने हमारे लिए प्रोमिसेस दिए हुए हैं। लेकिन क्या हम अपने जीवन में उसके वचनों में बने हैं? सवाल ये है। हालेलुया, हम ईश्वर के वचनों में बने हैं या शैतान के शब्दों में बने हैं? अगर हम ईश्वर के वचनों में बने हैं तो ही हम उसके शिष्य कहलाएंगे। हर एक विश्वासी यीशु का शिष्य हो सकता है क्या? हर एक विश्वासी यीशु का शिष्य हो सकता है? हालेलुया, मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हूँ? हाँ ना, कुछ तो मुंडी हिलाओ सिर्फ देखे जा रहे हो। ओके, देखो, हर एक विश्वासी ईश्वर का शिष्य नहीं है, क्योंकि वचन कहता है अगर तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो ही तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। तो आज अपने आप से सवाल पूछो, मेरे जिंदगी के हर क्षेत्र में मुझे वचन में बने रहना है, बस, और कोई चीज में नहीं। मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में मुझे किसमें बने रहना है? किसमें बने रहना है? वचन में। हालेलुया, अब देखो आगे क्या बोल रहा है।
32, और सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वापस ध्यान से सुनना, और सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो स्वतंत्र होने के लिए मुझे सत्य को जानना जरूरी है। जब मैं सत्य को जानूंगी तब भी मैं स्वतंत्र बनूंगी। हमारी गलती क्या होती है, हम जाते हैं प्रीचर के पास और बोलते हैं मेरे सर पे हाथ रखो, प्रार्थना करो, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होने वाला। सालों साल हम उससे हाथ रख के प्रार्थना करवाएंगे, स्वतंत्र होंगे, टकले हो जाएंगे, लेकिन स्वतंत्र नहीं होंगे। जोक्स अपार्ट, मजाक कर रही हूँ, प्रेज गॉड। आपको किसी का हाथ स्वतंत्रता नहीं देगा, स्वतंत्रता मिलनी है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के वचन से। उसने कहा यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो मेरे शिष्य कहलाओगे। यहाँ पे कितने सारे यीशु के शिष्य हैं हम लोग? क्या हम उसके वचनों में बने हैं? अगर नहीं तो हम उसके शिष्य नहीं है। उससे उसके वचनों से हमें जुड़े रहना है तभी हम उसके शिष्य कहलाएंगे। देखो एक एक पेड़, उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, दाखलता और टहनी, सही है ना? हाँ, जो जो मेन पोर्शन होता है उस पेड़ का, जो जिस पर खड़ा है वो क्या होती है? दाखलता और टहनी। फल किस पे लगते हैं? टहनी पर। लेकिन फल कभी लगेंगे जब वो टहनी उस दाखलता से जुड़ी हुई हो, सही है, करेक्ट? अगर टहनी जुड़ी नहीं है दाखलता से, नीचे गिरी हुई है या टूट गई है, क्या वो फल दे पाएगी? नहीं। फल देने के लिए उस टहनी को उस दाखलता से जुड़े रहना है, करेक्ट, तभी वो फल दे पाएगी। तो हमारे जीवन में अगर हमें चीज़ों से आज़ाद होना है, मुसीबतों से स्वतंत्रता पानी है, अगर हमें फल देना है तो हमें भी उस दाखलता से जुड़े रहना है जो कि है उसका वचन। मैं ही हूँ सच्ची दाखलता। हालेलुया। आप लोगों को समझ रहा है? तो हमें उस दाखलता से जुड़े रहना है। दाखलता से जुड़े रहना मतलब क्या? हमें उसके वचनों से लगातार दिन रात उसमें बने रहना है तभी हम उसके शिष्य कहलाएंगे। और जब हम दिन रात उसके वचनों पर मनन करेंगे, जब हम दिन रात उसको सुनेंगे, जब हम दिन रात उसको सीखेंगे, जब हम दिन रात उसमें बने रहेंगे, तब हम स्वतंत्र होंगे। वो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आप लोगों को समझ रहे हैं? लेकिन हमारा गलती कहाँ हो रहा है? हमें सत्य से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हम जाते हैं और बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो। बोलते कि नहीं मेरे लिए प्रार्थना? सी, प्रार्थना आप करवाओगे भी, ओके, फ्रीडम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बरकरार नहीं रहेगा। आप लोगों को समझ रहे हैं? तो हमको कौन सा रिजल्ट चाहिए, जो कुछ समय के लिए हो या बरकरार हो? हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो, मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। एक फैमिली रहती है, एक परिवार जो डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर पेट में बहुत दर्द है, आप देखो और दवाई दो। तो डॉक्टर देता है, दवाई देता है, वो लोग को दवाई दे देता है, दवाई खाते हैं, घर जाते हैं, दवाई खाते हैं, अगले हफ्ते फिर से आते हैं, फिर से बोलते हैं डॉक्टर पेट में सॉलिड दर्द है, दवाई चाहिए, फिर से डॉक्टर दवाई देता है, फिर से जाते हैं, फिर से एक हफ्ते बाद दोबारा आते हैं, डॉक्टर पेट में दर्द है, दवाई दे दो। अब ये डॉक्टर सोचता है कि यार लफड़ा क्या है, ये हर हफ्ते आते हैं और हर हफ्ते सेम पेट में दर्द है, दवाई दे दो। तो रिसर्च करने के बाद उस डॉक्टर को पता चलता है प्रॉब्लम क्या है, जो मेन प्रॉब्लम है वो उस डॉक्टर को पता चलता है, प्रॉब्लम है उनके घर का दूषित पानी। प्रॉब्लम क्या है? उनके घर का दूषित पानी। तब डॉक्टर उनको बोलता है भाई दवाई तो टेम्पररी सॉल्यूशन है, तेरे को इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो अपने घर का पानी बदल, फिल्टर लगवा ले। हालेलुया।
उसी तरह जब हम प्रवचन प्रीचर के पास जाते हैं, बोलते हैं प्लीज प्रे फॉर मी टेम्पररी सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन है ईश्वर का वचन। दिमाग को भी फिल्टर लगवा लो अपने। हालेलुया, हमें इस वचन की जरूरत है ताकि इस वचन के द्वारा हमारी सोच बदले। आज अभी भी मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जो 10-10 साल 12-12 साल होके चर्च जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सोच वही पुरानी है, कोई बदलाव नहीं है। तो बदलाव होगा क्या जिंदगी में? सोच जड़ है, जड़। अपनी सोच को बदलो, रिन्यू योर माइंड, सोच को नया करो। पर पता है सोच नई कब होगी? आपकी सोच ईश्वर की सोच से मेल कब खाएगी पता है? जब दिन रात आप अपने अंदर वचन लोगे, तब आप एक दिन आएगा जब दिन रात उसके वचनों पे मनन करने लगोगे ना, तब एक दिन आएगा आपकी सोच उसके सोच से मैच होने लगेगी। हालेलुया, हमारी सोच में और ईश्वर की सोच में पृथ्वी और स्वर्ग के जैसा अंतर है। ह्यूमन थिंकिंग एंड गॉड काइंड ऑफ थिंकिंग। लेकिन जब हम उसके वचनों पर दिन रात मनन करने लगते हैं, जब हम उसको उसके सच को ग्रहण करने लगते हैं, जब हम उसको जानने लगते हैं, वो अंतर कम होते जाता है और हमारी सोच मेल खाने लगती है स्वर्ग की सोच से, ईश्वर की सोच से। हालेलुया, क्या आप लोगों को समझ रहे हैं? तो हमारी लड़ाई किसी भी रक्त मास के मनुष्य से है ही नहीं। हमारा आत्मिक युद्ध कहाँ चलता है? विचारों में। कहाँ चलता है? विचारों में। एक और वचन लेंगे हम लोग, लिख लो 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन नंबर 4। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन नंबर 4 ध्यान से सुनना। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ओके, 3 भी पढ़ेंगे हम लोग, 3 से पढ़ते हैं। चलो देखो, देखो यह 3 में क्या लिखा है। देखो, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम शरीर में चलते फिरते हैं लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। फॉर दो वी वॉक इन द फ्लैश वी डू नॉट वॉर आफ्टर द फ्लैश। हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। अब आगे का वचन पढ़ते हैं 4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इंग्लिश में लिखा है, फॉर द वेपन्स ऑफ आर वॉरफेयर आर नॉट कार्नल बट माइटी थ्रू गॉड टू द पुलिंग डाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मतलब हमारे हथियार जिससे हमारी लड़ाई चल रही है शारीरिक नहीं है। आप बंदूक लेके शैतान से लड़ने नहीं जा सकते, ढड़ा। नो, शारीरिक नहीं है। हमारी आंखें उनको नहीं देख सकती। हमारे देखो, जैसे मान लो हम अगर हमको मूवी देखने बोला जाए, पिक्चर 3 घंटा हम लोग बैठ के पिक्चर देख सकते हैं बिना किसी शिकायत? हाँ, देखते हैं ना, 3 घंटा बैठ के पिक्चर देख सकते हैं। लेकिन यही हमको बोला जाए 3 घंटा बैठो प्रवचन सुनने, होता है क्या? होगा? 5 घंटा बैठ के हम लोग गप्पे मार सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं,
लेकिन 5 घंटा बाइबल पढ़ने बोलो तो नींद आने लगती है, होता है फेस गार्ड नहीं होता तुम लोग के साथ? हाँ हालेलुया। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? आत्मिक लड़ाई चल रही है, आत्मिक लड़ाई चल, शैतान वचन को आपके अंदर जाने को प्रवेश करने को मौका नहीं देगा, क्योंकि वो इसकी अहमियत को जानता है, वो वचन की अहमियत को जानता है। हम नहीं जान पा रहे, लेकिन शैतान जानता है वचन की अहमियत क्या है। वो जानता है वचन में ताकत है अंधकार को दूर करने की, वो जानता है वचन में ताकत है प्रकाश को लेके आने की। हालेलुया। इसीलिए चौथे वचन में क्या लिखा है, हम एक बार फिर से पढ़ते हैं चौथा वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। मतलब परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं जो कि शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। और वो हथियार क्या है पता है? क्या है वो हथियार? वो हथियार है स्वर्ग का हथियार, उसका लिखा हुआ वचन, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। आप लोगों को समझ रहा है? अभी यहां पे बोला गया है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने वाले हैं। गढ़ मतलब इंग्लिश में बोलता है स्ट्रॉन्ग होल्ड गढ़। आप में से कोई जयपुर राजस्थान गया है क्या? कोई नहीं। ओके, वहां के किलों को देखा है? किलों को, गढ़, उन किलों की गढ़ कैसी है? मजबूत। उसको ऐसा बनाया है कि चाहे कितना भी उस पर प्रेशर आए या कुछ भी हो जाए, वो गिरने वाला नहीं है। हालेलुया। तो हमें अपने मनों को ईश्वर के वचन से ऐसा मजबूत बना देना है कि शैतान का कोई भी विचार उसको गिरा नहीं पाएगा। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है। फॉर द वेपन ऑफ आवर वारफेयर आर नॉट कार्नल बट माइटी दो माइटी थ्रू गॉड टू पुलिंग डाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड। मतलब ये जो शैतान ने हमारे जीवन में झूठ का गढ़ बना के रखा है, उसको गिराने की ताकत कौन से हथियार में है? ईश्वर के वचन में। जैसे मान लो, उदाहरण मान लो, देखो ये सब कुछ शुरू होता है सिर्फ एक विचार से, करेक्ट? हमारे जिंदगी में सब कुछ शुरुआत होती है वो एक थॉट, एक विचार से। जैसे मान लो, इमेजिन करो, कल्पना करो, शैतान एक पत्थर लेके आया और रख दिया, चला गया। अब आपने क्या सोचा? छोड़ यार, एक पत्थर ही तो है, क्या फर्क पड़ने वाला है, लीव इट। अब क्या हुआ? थोड़ी देर बाद और एक पत्थर लेके आया, रख दिया। फिर हम क्या करते हैं? इग्नोर यार, पत्थर ही तो है। फिर वापस आया, फिर रखा। ऐसे करते 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 क्या हुआ? उसने एक गढ़ बना दिया, एक किला बना दिया हमारे मन में विचारों का। हमारे साथ क्या होता है? एक विचार वो लेके आता है, हम सोचते हैं इग्नोर करो यार, एक विचार ही तो है। नहीं, उसको अधिकार के साथ जब तक आप रिब्यूक नहीं करते, उसको छोड़ना नहीं है। एक विचार से शुरुआत होता है, लेकिन वो एक विचार जब आता है और जब हम उसको इग्नोर करते हैं, क्या हो रहा है? उसके ऊपर और एक विचार, उसके ऊपर और एक विचार, उसके ऊपर और एक विचार। अब क्या हो गया? गढ़ बन गया, करेक्ट? मुझे बताओ क्या आसान है तोड़ना? एक पत्थर को गिराना आसान है कि गढ़ को? हाँ, एक पत्थर को तोड़ना आसान है, गिराना आसान है, करेक्ट? गढ़ को भी गिराना आसान है, लेकिन उस गढ़ को गिराने के लिए हथियार कौन सा है पता है? ईश्वर का वचन। वो एक ही हथियार है जो उस मजबूत किले को तोड़ सकता है। हालेलुया। और उस विचारों को, नकारात्मक विचारों के गढ़ को तोड़कर हमें क्या करना है? जब मैं वचन को दिन रात बोल रही हूँ, मैं भी गढ़ बना रही हूँ, मैं भी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रही हूँ। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बुरा नहीं है, ये नकारात्मक नहीं है, ये शैतानी नहीं है। अब मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रही हूँ ईश्वर के वचनों का, मैं भी एक किला बना रही हूँ।
जब मैं वचन दिन रात बोल रही हूँ बोल रही हूँ बोल रही हूँ बोल रही हूँ बोल रही हूँ, क्या हो रहा है? किले की दीवार मजबूत बन रही है, गढ़ मजबूत बन रहा है। हालेलुया हालेलुया, समझ रहा है आप लोगों को? क्या लिखा था वो वापस पढ़ते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। आगे आगे पांचवा भी पढ़ेंगे। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इंग्लिश में लिखा है, वी डिस्ट्रॉय आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरी लॉफ्टी ओपिनियन रेज्ड अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड एंड टेक एवरी थॉट कैप्टिव टू ओबे क्राइस्ट। हालेलुया। मैं वापस से हिंदी में पढ़ रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ यस, वापस पढ़ रही हूँ। पांच, ओके। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के विरोध पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर के विरोध में उठी है मतलब ऐसी सोच कहाँ से है? शैतान से है, करेक्ट। हम उसका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमें जो सत्य वचन है उसी को दिन रात उसी पर मनन करना है। क्यों? ताकि इसमें जैसे लिखा है कि हर एक कल्पना को जो शैतानी है, हर एक विचार जो शैतानी है, जो शैतान की ओर से है, उस हर एक विचार जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो रहा है, विरोध में उठ रहा है, मुझे उसका खंडन करना है। और खंडन कैसे कर पाऊंगी? परमेश्वर के वचनों को लेकर, करेक्ट। हालेलुया। तो सिर्फ और सिर्फ हमें जानकारी लेनी है ईश्वर के वचनों की, संसार की नहीं। देखो देखो, कई कई लोग बोलते हैं संसार की जानकारी रहना अच्छा है। कोई तो बोला था ना अभी दो दिन पहले, संसार की जानकारी भी होनी चाहिए। संसार एक्चुअली ये शैतान का झूठ है। गूगल नाम सुना है आपने? गूगल, किसी और पे विश्वास मत करो, सिर्फ परमेश्वर का वचन में जो लिखा है ना उसी पर विश्वास करो। आप गूगल में जाओगे बहुत सारी चीजें आपको देगा, क्योंकि मैंने ये किया है इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ। बहुत सारी चीजें आपको देगा, जैसे जैसे आजकल अगर देखोगे गूगल बताता है अंडे मत खाना, क्योंकि अंडे खाने से कैंसर होता है। कहाँ लिखा है भाई? बाइबल में तो नहीं लिखा है। मैं ऐसी कौन सी बात पर विश्वास नहीं करूँगी जो बाइबल नहीं बोलता है? कौन दो दिन पहले बोल रहा था ना संसार की बातों को भी जानना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं जानना है संसार में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा विश्वास उन बातों पर है ही नहीं। मेरा विश्वास ईश्वर के लिखे हुए बातों पर है। गूगल भले ही कहता है अंडे मत खाओ, लेकिन ऐसा नहीं है यार। इनफैक्ट मैंने तो सुना था संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। हाँ सुना, आप लोगों ने सुना है। गूगल बोलता है, अभी गूगल बोलता है डेयरी प्रोडक्ट्स मत खाना, उसमें कुछ कुछ मिला होता है, उससे भी कुछ कुछ होता है। लेकिन बचपन में तो माँ ने तो हमको मार मार के दूध पिलाया है, करेक्ट। अभी गूगल बोल रहा है डेयरी, अभी बोल रहा है सब्जी मत खाना, फलों को मत खाना, उसमें कीटनाशक लगे हैं। क्या है क्या, ये मतलब क्या चल रहा है हमारे? तो खाए तो क्या खाए, हमारे आजू बाजू सब कुछ नकारात्मक न्यूज ही है। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो खाए तो क्या खाए? अभी आप लोग बोलोगे सिस्टर हम हवा खाएंगे, उसमें भी प्रदूषण है। उसमें भी पोल्यूशन है। हालेलुया। तो खाए तो क्या खाए, संसार की बातों पर विश्वास मत करो। संसार की बातें आपको सिर्फ डर देगा, जो कि शैतानी है। परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। अगर विश्वास करना है तो गूगल पे नहीं, ईश्वर के वचन पे विश्वास करो, क्योंकि जब आप उस पर विश्वास करोगे, जब आप उस सत्य को जानोगे, वह सत्य ही आपको हर एक समस्या से मुक्त करेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोगों को?
तो भले ही संसार बोलता है ये खाने से ये होगा, वो खाने से वो होगा, सुना है बहुत लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे खाओगे वैसा होगा, वैसा खाओगे वैसा, बट वचन बोलता है द राइटस लिव बाय फेथ, धर्मी विश्वास से जीता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैंने ये गलती की थी इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। गूगल में जाओगे ना एट लास्ट, अपने सिम्टम्स को तो गूगल में कभी मत डालना, कभी मत डाल के चेक करना कि सिम्टम्स क्या बोलते हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी डालोगे ना उसका फाइनल रिजल्ट आपको गूगल बताएगा तुमको कैंसर है। सच में बोल रही हूँ क्योंकि मैंने किया है, इसके लिए मैं आपको बता सकती हूँ। और फिर आप में वो डर आ जाता है, मुझ में भी वो डर आ गया था कि अब तो मैं जिंदा नहीं रहने वाली, मेरा तो टिकट कटने वाला है। लेकिन पता है उस वक्त वो अंधकार के जीवन में मैं जी रही थी, सत्य से अनजान थी, प्रकाश ना ज्ञान नहीं था, बाइबल का ज्ञान नहीं था, उसके वचनों का ज्ञान नहीं था, तो जो गूगल में बोला उसी को सच मान लिया। और उससे क्या हुआ, डर आ गया, चिंता आ गया, टेंशन होने लगा। करेक्ट, होता है आज भी हमारे साथ ये। तो गूगल से जानने, गूगल में जाके जानने से अच्छा बाइबल में आके जानो कि तुम्हारी समस्या का सॉल्यूशन क्या है, तुम्हारी समस्या का कैसे मैं इस समस्या से बाहर निकल सकती हूँ, और अगर समस्या है तो मैं कहाँ, मुझे कहाँ करेक्शन करने की ज़रूरत है। हाँ, हालेलुया, करेक्शन करनी है हमें हमारी सोच में। अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को ईश्वर के सोच के अनुसार लाओ, अपने हर एक नेगेटिव थॉट को, हर एक नकारात्मक विचार को जो शैतान से है उसे बंदी बना दो। और बंदी किस चीज़ से बनाओगे, किस चीज़ से बनाओगे, ईश्वर के सत्य वचन से, उसके वचनों का गढ़ अपने विचारों में बना दो, ताकि कोई भी शैतान का विचार उस गढ़ को तोड़ ना पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझ रहे हैं आप लोगों को? देखो हमारे जीवन में क्या होता है, जब जब प्रॉब्लम बढ़ती है ना, हम गूगल में जाते हैं, सब कुछ चेक वेक करते हैं, फिर इतने इरिटेट हो जाते हैं, उस प्रेशर को हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, और फिर हम जबान से वही बोलना चालू कर देते हैं। मैंने ऐसा किया है। ओके, मैं भले ही दुनिया को नहीं बोलती थी, लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि मुझे हमेशा ये लगता था कि अब तो मैं मरने वाली हूँ, और सब जगह जाके नहीं बोलती थी, लेकिन बोलती तो थी ज़रूर कि इसका फाइनल रिजल्ट ये बताता है, तो अब तो कुछ खुद नहीं बचूंगी, लंबा जीवन नहीं जी पाऊंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है मैंने तुम्हें लंबी आयु दी है। हालेलुया। तो जब भी हमारे ऊपर प्रेशर आता है ऐसी संसार की चीज़ों से, हम अपना मुंह खोल के उसको बोल ही देते हैं। करेक्ट, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से का प्रेशर आ रहा है, क्या होगा, अगर आप वचनों में नहीं बने हो तो आप मुंह खोल के उसको बोलना चालू करोगे। जिस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करते हो, जिस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान देते हो, जिस चीज़ पर आप ज़्यादा मनन करते हो, आप उसी को अपनी ज़बान से बोलोगे। आप लोगों को समझ रहे हैं? और शैतान यही चाहता है कि आप आपकी जबान खोलो और उसके शब्दों को बोलो। ये उसका जाल है, ये वचन में लिखा है। प्रोवर्ब्स को, प्रोवर्ब्स देखेंगे हम लोग, नोट डाउन कर लो प्रोवर्ब्स को क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्रोवर्ब्स नीति वचन, प्रोवर्ब्स को बोलते हैं नीति वचन। प्रोवर्ब्स अध्याय 6 वचन नंबर 2, देखो ये वचन क्या बोलता है। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है, If you are snared in the words of your mouth, caught in the words of your mouth, okay, कोई और ट्रांसलेशन है आपके फोन में, है कोई और? सेम है, प्रेज गॉड। ओके, वापस पढ़ेंगे। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से तू पकड़ा गया और जाल में फंसा। तो हम जब
जब जब विचार हमें आते हैं और विचार हमें सोच देना चालू करते हैं, हम अपना मुंह खोलकर जब उसको बोलते हैं, हम उसके जाल में फंस जाते हैं। हालेलुया। और हम सब जानते हैं, दो दिन पहले हमने सीखा था, जीवन और मृत्यु हमारे जबान में है, जो बोलेंगे वही होगा, सही है ना? तो हमें बहुत ही सावधान होना है, क्या मैं उस शब्दों को मुंह से बोलकर उसके जाल में फंस रही हूं? अगर मैं जाल में फंसी तो बाहर आना मुश्किल है। इसीलिए अपनी सोच को बदलो, ये जानो कि ये जो विचार मुझे आ रहे हैं, क्या ये ईश्वर के राज्य से है, क्या ये बाइबल के वचन के अनुसार है? नहीं तो उसे अपने अंदर लो मत, अपने मन को नया बना दो, अपने अपने विचारों को बदल डालो। और ये मन का ट्रांसफॉर्मेशन, नया रूपांतरण ये कब होगा? जब आप दिन रात उसके वचनों पे मनन करोगे। हालेलुया। आप लोगों को समझ रहे हैं? एक बात आप जानो कि हमारे खिलाफ लोग आएंगे, हमारे खिलाफ बहुत बातें बोली, बट प्रभु खुद बोलता है ना कि मेरे कारण लोग तुम्हारे खिलाफ आएंगे, करेक्ट? मेरे कारण लोग तुम्हारे खिलाफ आएंगे। तो ये जानो कि वो उसके पीछे का स्रोत कौन है, एक्चुअली मेन स्रोत क्या है उसके पीछे का। जैसे जैसे उदाहरण देती हूँ आपको, पीटर ने जब यीशु को बोला कि यीशु तुम मसीह के इकलौते पुत्र, यीशु मसीह तुम पिता के इकलौते पुत्र हो, करेक्ट? तो यीशु ने उसको क्या बोला, फ्लेश एंड ब्लड हैज नॉट रिवील दिस टू यू बट माई फादर इन हेवन हैज रिवील दिस। मतलब किसी शरीर रक्तमास के शरीर ने तुम्हें ये बात नहीं बताई है, बट मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें ये बात बताई है, करेक्ट? ये पीटर को बोला। और अब उसके पीछे का स्रोत क्या था, पवित्र आत्मा, करेक्ट? लेकिन थोड़ी देर बाद वही पीटर, जब यीशु बोलता है कि मैं क्रूस पे जाने वाला हूँ, जब ये बात रिवील करता है, पीटर बोलता है नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो तुरंत प्रभु यीशु ने क्या बोला, मुंह खोल के, गेट बिहाइंड मी सैटन, बोला ना। उसी पीटर को जो पहले बोल रहा था, जो पहले का स्रोत था पवित्र आत्मा, अब पीटर जब मुंह खोला, यीशु ने उसको क्या बोला, गेट बिहाइंड मी सैटन, शैतान मुझसे दूर हट जा। अब यीशु ने पीटर को नहीं बोला शैतान मुझसे दूर हट जा, यीशु ने उसके पीछे का स्रोत जाना, यीशु ने उसके पीछे का स्रोत जाना कि वो क्या है। यीशु को पता चला कि ये शैतान उसके द्वारा बोल रहा है, और उसने उसको बोला गेट बिहाइंड मी सिट। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब हमारे जीवन में समस्या आती है, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, जब हमारे खिलाफ लोग बोलने लगते हैं, हमें जानना है स्रोत क्या है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जब तुम्हारे अंदर ऐसे नकारात्मक विचार आ रहे हैं, जानो स्रोत कौन है। ये विचार पवित्र आत्मा से है या शैतान से है? ये विचार ईश्वरीय है कि शैतानी है? आप लोगों को समझ रहे हैं? और देखो ओके, मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। आप मान लो एक कुत्ता आपके घर आया, ठीक है, आपने उसको खाना खिलाया, फिर से वो दूसरे दिन आया, फिर से आप उसको खाना खिला रहे, फिर से तीसरे दिन आया, फिर से आप उसको खाना खिला रहे। अब उसको पता चल गया कि यहाँ से मुझे खाना मिल रहा है, तो वो रोज आ रहा है, सही है? हाँ। लेकिन एक दिन आपने निर्णय लिया, बस हो गया यार, अब मैं इसको खाना नहीं खिलाने वाली, बस हो गया, ये क्या रोज रोज खाना था, अब मैं नहीं खिलाने वाली, और उदाहरण है सिर्फ। और अब जब वो आया, आपने ये जम के उसको एक लगाया, वो भाग गया, करेक्ट? वो भाग गया। अब वो कुत्ता है, दूसरे दिन जरूर वापस आएगा, पता है क्यों? क्योंकि उसको आप पर बहुत भरोसा है कि मेरे को खाना जरूर देगा। हालेलुया। लेकिन फिर से दूसरे दिन आपने क्या किया, खाना देने के बजाय जम के लगा दिया, फिर से वो भाग गया। अब वो कुत्ता जब तक कन्विंस नहीं हो जाता, ये नहीं मान लेता कि यार अब बस हो गया, यहाँ से मुझे, इस घर से अब मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मेरा जाना बेकार है यार, मैं नहीं जाता,
जब तक वो कन्विंस नहीं होता वो आते ही रहेगा, लेकिन जब तक आप उसको मारते रहोगे अब वो दोबारा नहीं आएगा। जिस दिन वो कन्विंस हो गया कि रोज जाके मार कौन खाएगा यार, इससे अच्छा छोड़ दे मैं कोई और कस्टमर ढूंढ लेता है। हालेलुया। जब शैतान हमारे पास सोच लेकर आता है मारो, किससे मारो? वचन के हथियार से मारो। उस कुत्ते की तरह उसे भागना ही भागना है। जब डिप्रेशन की सोच आ रही है लगा दो, वचन से मारो ताकि उसको वहां से भागना ही भागना है। ओके, वो वापस आने की कोशिश जरूर करेगा, आपको आपको वो विचार वापस देने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन जब जब वो विचार आए, जब जब शैतानी सोच आए, जब जब नकारात्मक सोच आए, डिप्रेशन वाली सोच आए, गरीबी की सोच आए, बीमारी की सोच आए, इस हथियार को लो और झम के पिटाई करो। आपको उसी लिए उसने ईश्वर ने हथियार दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब तक दिए हुए हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे आपके लिए वो हथियार कैसे काम कर पाएगा? समझ रहे हैं? तो हमारी लड़ाई कैसे है? विचारों में है। शारीरिक हथियार से हम इसको नहीं लड़ सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक सबको सब समझा? हम इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, करेक्ट? हाँ, तो अब सब कोई अपनी आंखें बंद करेगा, हम एक धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर शिक्षा के लिए। आपने बहुत अच्छे से हमें सिखाया परमेश्वर कि हमारी लड़ाई किसी शारीरिक मनुष्य से नहीं है, किसी शारीरिक हथियारों के साथ नहीं है, पर हमारी लड़ाई है परमेश्वर स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक लड़ाई, और इसके हथियार है कोई बंदूक, कोई गन नहीं, कोई चाकू नहीं, पर इसका हथियार है परमेश्वर तेरा वचन जो तूने हमें दिया है हमारी सुरक्षा के लिए। और आज तूने हमें सिखाया कि किस तरह हमें इसका इस्तेमाल करना है। जब जब शैतान, वो शैतानी सोच लेकर आ रहा है, हमारे विचारों में हमला कर रहा है, तो हमें उसको इग्नोर ना करते हुए तेरे वचनों को, तेरे वचनों के हथियार को लेकर उससे लड़ना है। परमेश्वर, तूने आज हमें सिखाया कि जब हम तेरे सत्य को जानेंगे, वो सत्य ही हमें हर चीज से आजादी देगा, वो सत्य ही हमें हर समस्या से मुक्ति देगा। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और विश्वास की ये घोषणा करते हैं प्रभु यीशु कि आज का ये वचन हम सभी को बहुत अच्छे से समझ आया है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि ये तेरे वचनों का बीज जो आज इन सबके हृदय की भूमि पर गिरा है, इन सभी के जीवन में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, और ये प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो कल हम किसके घर में मिल रहे हैं? यहीं पे?